नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी अड्डे से मैं आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को कहाँ की ये वैकेंसी है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की ये वैकेंसी है। आप देख सकते हैं एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये वैकेंसी आती है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 08-23-24। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड नवरत्ना कंपनी के तहत ये आती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है आपका। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ ए रिगनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लेटेस्ट 3 ईयर्स डिग्री इन द रिलिवेंट सब्जेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो, इसमें भी 2 सीट, इसमें भी 2 सीट, जनरल में 2 सीट, OBC में 1, ST में 1। सैलरी कितना बनेगा आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी आपका CP4 लेवल के यहाँ पर 24,500, आपका PS के रहेगा 90,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। CTC 6.78 लाख अप्रोक्स आपका बनेगा CTC। ठीक है, मतलब सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो टेक्नीशियन देखिए आपका है तो SSLC मतलब हाई स्कूल 10th आपका SSC से लेके आपका ITI होना चाहिए। 1 ईयर्स अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड, मतलब उस ट्रेड से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर बहुत अच्छी है। फिटर का 4 है, जनरल में 4, OBC में 1 है, ST में 1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 2 दिया जा रहा है। ठीक है, ग्रेड वही ग्रेड पे स्केल आपका 3 लेवल का 21,500 होता है, 500 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी बनेंगे 82 अप्रैक्स। ये नहीं देखिए आप, ये देखिए बेसिक सैलरी होती है, प्लस इसमें HR एडियरेंस अलाउंसेंस अदरवाइज बहुत सारे चीज़ जुड़ता है, तो सैलरी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अप्रैक्स CTC 6.07 लाख आपको दिया गया है, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं ठीक है कितना आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट पीरियड है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 6 मंथ का कितना चलेगा, ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा। ठीक है, कंपटीशन ऑन द ट्रेनिंग ऑफ पासिंग ग्रेजुएट लास्ट दे रेगुलर आप पी स्केल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। PWD के लिए भी कुछ नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग असिस्टेंस के लिए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एलिजिबल आपका कैंडिडेट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए क्या किस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए और एज 1/8/2023 से ऐड करके आप देख सकते हैं 28 अधिकतम यहाँ पर लिया गया है। बट एक चीज़ है यहाँ पर कि अपर एज लिमिट यहाँ से काउंट किया जाएगा, लेकिन उसमें छूट दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल ईयर 3 ईयर्स आपका 5 और ये 10 ये आपका PWD ठीक है आपका दिया गया है। ठीक है, अपर एज लिमिट सर्टिफिकेट अप्लाइड यू आर जनरल कैंडिडेट, ठीक है इस तरह से उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना वो पोस्ट मिनिमम परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए OBC का 60%, ST PW के लिए 50% होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर नील नहीं मांगा गया है, बिल्कुल अप्रेंटिस फिल्टर वालों ITI वालों के लिए ये दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र एम्प्लाई मैंडेटरी आप यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन मतलब महाराष्ट्र एम्प्लाई में मैंडेटरी यहाँ पर दिया गया है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर है तो कर दीजिए, अगर करा सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई आप लोगों को देखिए 150 दिया जाएगा, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड 50 कराएगा और फिर ट्रेड से 100 मार्क रहेगा, टेक्निकल वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, रिलेवेंट ट्रेड से रहेगा। ठीक है, 150 का पूरा बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी OBC का यहाँ परसेंटेज है कम से कम क्वालिफाई मार्क और ये भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड अलाउंसेंस आपका यहाँ पर बताया गया है कुछ इस प्रकार से बनेंगे आपकी स्टार्टिंग, फिर उसके बाद इस प्रकार से रूल पे के अनुसार आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इनमें भी है। ठीक है, PF वगैरह जो भी रहेंगे 30% आपका एनुअल बेसिक पे के हिसाब से कटता रहेगा, ये बताया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर सेंट्रल जनरल कैंडिडेट ऑफ आर टेक्नीशियन के बारे में फिर वही चीज़ बताई गई है, एज इतना रहेगा, ये आईटीआई वालों के लिए है। एज क्राइटेरिया उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है, ठीक है। और आपको वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है रिटेन टेस्ट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में वहाँ यहाँ भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से मैक्सिमम मार्क के बारे में आपका 60% 50% वही चीज़ बताई गई है जो भी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। महाराष्ट्र एम्प्लॉयज वाला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। मेटअप सिलेक्शन 150 कराएगा, 50 जनरल और 100 टेक्निकल, आपका वही सेम बताया गया है, 100 टेक्निकल इसमें आएगा आएगा, ठीक है। आपका ओबीसी में इतना आना चाहिए और पीडब्ल्यूडी का भी इतना, कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पे लेवल आपका वही चीज़ रहेगा, 21,500, अच्छी खासी सैलरी बनेगी, लगभग 21,500 का अगर देखें तो 35-40 समथिंग में आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अधिक वो HRA आपका लेके, एडियरेंस सेंस लेके, ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। PF वगैरह के लिए 30% यहाँ पर भी बताया गया। अप्लीकेशन के फीस की बात बताए, 295 रुपये यहाँ पर, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जनरल OBC EWES के लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और पेमेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कुछ, ठीक है। और ये गो टू सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ कलेक्ट ऑनलाइन, ये पे के लिए बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और अब हाउ टू अप्लाई के लिए इस जगह पे आप जाइएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि मतलब कहाँ से अप्लाई किया जाए, तो यही आपका साइट है, इस पे जाइएगा, जहाँ पे अप्लाई लिखा होगा ये पोस्ट खोज लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है, अदरवाइज आप जानकारी अदर भी से ले सकते हैं, किस प्रकार से हाउ टू अप्लाई डाल सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे जहाँ तक टाइम मिलता है मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद से एडमिट कार्ड टेस्ट और कैन डाउनलोड प्लीज़ कार्ड नॉट बाय पोस्ट सेंड बाय पोस्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। और कुछ ये भी कहा है कि फेस रिबंड वगैरह के बारे में हम नहीं करेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, गाइडलाइंस और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो गाइज बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने अप्रेंटिस किया है बल्ले बल्ले उनके लिए, ठीक है। आप डालें, ITI होना चाहिए, NSE होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया है, ठीक है। ये तो साइबर साइट है, और ये आपको देगा ITI या NSE अप्रेंटिसशिप आपका दिया गया है, तो ये गाइस देख लीजिए। और ये डेट, लास्ट डेट फॉर अप्लाई आप ध्यान से देख सकते हैं, 25/08 तक आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरी है आपका, और अदर देख लेता हूँ, ऐसा आप कुछ है नहीं। तो गाइज आप इस वैकेंसी को भरिए और अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, 150 का बनता है। अगर 50 में भी 50 जो आपके नॉन टेक्निकल है उसमें आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और 100 में से आप 90 भी कर देते हैं तो भी आपका 110 बन जाएगा। 110 में मान के चलिए कि आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह अगर कराएंगे तो उसमें भी आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।